हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आरडी चौधरी है और आज की जो अपनी क्लास है, ये सीरीज ऑफ ऑन्कोलॉजी की क्लास 6 है। इसके अंदर जो अपना मेन टॉपिक है आज की क्लास का, वो है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर की अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के जो मेथड्स होते हैं, उनके बारे में आज की क्लास में अपन बात करेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है, इसको स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो इस क्लास के अंदर जितने टॉपिक्स अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोलोरेक्टल के जितने मेथड्स है, उन सभी का ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स को इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर की पहले भी मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए बना चुका हूँ, ओके, जो सर्वाइकल कैंसर के लिए बना चुका हूँ। तो उसी तरीके से जो अपना आज अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर का जो टॉपिक है, वो कोलोरेक्टल कैंसर के लिए है। तो सबसे पहले तो अपन जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर है क्या। अर्ली डिटेक्शन, इसी वर्ड पे ध्यान देंगे, अर्ली डिटेक्शन यानी जल्दी डिटेक्ट करना। किसकी जल्दी है यहाँ पे, कैंसर होने की, यानी कैंसर कॉज होने से जस्ट पहले उसको अपने को डिटेक्ट कर लेना है। और जब अपन कैंसर होने से जस्ट पहले उसको डिटेक्ट कर लेंगे, तो उससे अपन कैंसर से प्रिवेंट हो सकते हैं, यानी कैंसर कोज होने से जस्ट पहले प्री कैंसरियस सिचुएशन के अंदर डिजीज को अपन डिटेक्ट कर लेते हैं। देखो कैंसर के दो स्टेज होती है, एक प्री मेलिग्नेंसी, एक मेलिग्नेंसी स्टेज, यानी एक तरह से बिनाइन भी मान सकते हैं। तो जो प्री मेलिग्नेंसी स्टेज होती है, जो प्री कैंसरियस स्टेज होती है, उस स्टेज के अंदर अपन कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो कैंसर कोज होने से पहले यानी कैंसरियस सिचुएशन होने से पहले ही उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो अपनी मेन कैंसर है जिसके बारे में बात करेंगे, वो है कोलोरेक्टल कैंसर। जो कोलोरेक्टल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए 5 मेथड होते हैं, उन 5 मेथड के नाम है, नंबर 1 FIT यानी फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग, नंबर 2 FOBT फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, नंबर 3 कोलोनोस्कोपी, नंबर 4 सिग्मोइडोस्कोपी और नंबर 5 प्रोक्टोस्कोपी। ये जो 5 मेथड है, इन 5 मेथड के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके अंदर जो अपना फर्स्ट मेथड है जिसके बारे में अपन डिस्कस किया था अभी, जो 5 मेथड होते हैं इनमें से जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है FIT यानी फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो जो FIT, सबसे पहले तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, FIT यानी फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग मीन्स, फीकल मीन्स जो फिकल वर्ड है इसका मींस होता है यहाँ पे स्टूल, फिकल का मींस यहाँ पे स्टूल से है। तो जो स्टूल को इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग यानी जो फिकल है, उस फिकल का जो कंपोनेंट होता है, जिस कंपोनेंट से बना होता है फिकल, उस कंपोनेंट्स के अंदर किसी न किसी तरह की केमिकल रिएक्शन कराई जाती है, इम्यूनोकेमिकल रिएक्शन करवाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट है उसकी वैल्यूज निकाली जाती है। तो जो FIT है, सबसे पहले तो अपन ने देख लिया कि फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग नाम से ही पता लग रहा है कि स्टूल की कोई किसी प्रकार की टेस्टिंग है, ओके। फिर अपन बात करेंगे जो FIT टेस्टिंग है, ये एक तरह से स्क्रीनिंग मेथड है। जो अपन ने कोलोरेक्टल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट और प्रिवेंशन करने के लिए जो 5 मेथड के अभी नाम अपन ने डिस्कस किए थे, ये सभी मेथड स्क्रीनिंग मेथड है। क्योंकि जो अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन के जो मेथड्स होते हैं, उन्हीं को अपन स्क्रीनिंग मेथड बोलते हैं, यानी जो अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के अंदर जो यूज होते हैं जो मेथड्स, उनको स्क्रीनिंग मेथड बोलते हैं, ना कि ये डायग्नोस्टिक मेथड है। डायग्नोस्टिक मेथड से जो डिजीज होती है उस डिजीज को कंफर्म किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है उस डिजीज को, और जो स्क्रीनिंग मेथड होते हैं उनसे डिजीज को प्रिवेंट किया जाता है, यानी कोलोरेक्टल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड यूज आते हैं उन्हीं को अपन स्क्रीनिंग मेथड बोलते हैं। तो जो नंबर 1 अपना FIT है, ये क्या है, एक तरह से स्क्रीनिंग मेथड है, ओके फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कोलोन कैंसर, ये कोलोन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग मेथड है जो मैं आपको बता चुका हूं। फिर अपन बात करेंगे, फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट यूजेस एंटीबॉडीज दैट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन हीमोग्लोबिन। जो फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है, जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है। इस लाइन को आप समझिएगा, जो FIT टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर इसकी जो मैकेनिज्म क्या है, जो FIT टेस्ट है इसकी ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जो स्टूल से फिकल से एक तरीके से उसको टेस्टिंग कर लेता है,
तो इसकी जो मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो जो एफआईटी टेस्टिंग है इसके अंदर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है, और उस एंटीबॉडी जो एंटीबॉडीज होती है वो एक तरह से कैपेबल होती है किसके लिए, वो जो अपना ह्यूमन हीमोग्लोबिन होता है, जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन होता है जो अपना एचबी होता है, उस एचबी के अंदर जो किसी प्रकार की स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाई जाती है, या अपन कंप्लीट एचबी की बात करें तो उसको रिकॉग्नाइज करने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है, यानी इस तरह की पेटेंसी होती है इसकी जो एंटीबॉडीज यूज की जाती है, यानी एक तरह से फिकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग के अंदर एक प्रकार की टेस्टिंग किट यूज होती है, यानी एक तरह की टेस्टिंग किट होती है जो अपने अगली स्लाइड के अंदर अभी देखेंगे। देखो इसको अच्छे से समझना जरूरी है, तो इसकी जो एक तरह से कार्ड डिटेक्टर होता है, एक किट होती है, जैसे एक प्रेगनेंसी किट होती है उसी तरह से एक कार्ड किट होती है, तो उस किट के अंदर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है, जैसे प्रेगनेंसी किट होती है अपनी जो टेस्टिंग किट होती है उसके अंदर क्या होता है बीटा एचसीजी होता है, उसी तरह से इसके अंदर क्या होता है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होता है जो अपने ह्यूमन हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट कर सकता है। अब यदि ह्यूमन हीमोग्लोबिन को ही डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज क्यों यूज होता है, उसका पर्पज ये होता है कि मान लो यदि कोई नॉन वेजिटेरियन है या फिर वो अदर किसी डाइट से किसी प्रकार का ब्लड कंपोनेंट स्वेलो करता है या इंजेस्ट करता है अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको ये एंटीबॉडीज डिटेक्ट नहीं करती है, क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करती है। इसका पर्पज ये है अपनी यदि लार्ज इंटेस्टाइन से अपनी कोलोन से किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को डिटेक्ट करने के लिए ये एंटीबॉडीज यूज होती है। यदि अपन किसी भी प्रकार का कोई ब्लड कंपोनेंट आउटसाइड से इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो उसको ये डिटेक्ट नहीं करेगी, तो इससे इसकी जो टेस्ट की जो कंफर्मेशन है उसके जो चांसेस होते हैं, जो रिपोर्ट उसकी अच्छी रिपोर्ट बताने के चांसेस होते हैं वो अच्छे होते हैं या फिर ज्यादा होते हैं, यानी अपन इस तरह से मान सकते हैं कि जो इसके जो फाल्स रिजल्ट आने के चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं। तो चलो अपन आगे बात करते हैं। इट मीन्स दैट एफआईटी रिजल्ट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर ब्लड इन स्टूल सच एज दैट इंजेस्टेड थ्रू डाइट। देखो इसी लाइन के अंदर है कि जो एफआईटी रिजल्ट है वो कभी भी अदर तरह की जो ब्लड की जो प्रेजेंस होगी अपने स्टूल के अंदर, उस ब्लड के स्टूल के ब्लड की जो प्रेजेंटेशन रहेगी उस स्टूल के अंदर उसको कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट की पॉजिटिविटी नहीं देगा सच एज इंजेस्टेड थ्रू डाइट। अपने डाइट के थ्रू यदि किसी भी प्रकार का ब्लड कंपोनेंट स्वेलो किया है तो उसको ये प्रेसेंस को नहीं बताता है, यानी उसको ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो इससे इसकी जो फाल्स नेगेटिव टेस्ट आने की या फाल्स पॉजिटिव टेस्ट आने की जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ही कम रहते हैं। फिर अपन बात करेंगे कंपेयर टू ग्वेक फिकल ओकल ब्लड टेस्ट, जो अपन ने बात की थी यहाँ पे जो फाइव मेथड थे उनमें से जो फर्स्ट मेथड था वो एफआईटी था, सेकेंड मेथड क्या था एफओबीटी, उसका मींस होता है फिकल ओकल ब्लड टेस्ट। तो अपन इस एफआईटी टेस्ट की एफओबीटी से कंपैरिजन करें, उससे इसकी तुलना करें तो देयरफॉर रिड्यूसिंग द चांस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, तो जो इसके जो चांसेस है वो फॉल्स पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रकार से स्पेसिफिक एंटीबॉडीज यूज की जाती है जो रिजल्ट का कंफर्मेशन अच्छा देती है, यानी उसकी जो पॉजिटिविटी की चांसेस है यानी जो फॉल्स रिजल्ट बताने की या एरर आने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो जो एफओबीटी टेस्ट है उसके कंपैरिजन में एफआईटी टेस्ट की फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट बताने के चांसेस कम होते हैं, यानी रिड्यूस होते हैं। फिर अपन बात करते हैं आगे, एफआईटी ओनली डिटेक्ट ह्यूमन ब्लड फ्रॉम लोअर इंटेस्टाइन। एक इसका एक स्पेसिफिकेशन ये है कि जो एफआईटी टेस्टिंग है वो सिर्फ लोअर इंटेस्टाइन से यानी लोअर कोलोन से, अपने सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लोअर इंटेस्टाइन कौन सी होती है जो अपना कोलोन वाला एरिया है उसी एरिया से अपने को इसका डिटेक्शन मिलता है। और इसके कंपैरिजन में यदि एफओबीटी की बात करें, फीकल ओकल ब्लड टेस्ट की बात करें, तो वो कंप्लीट अपना जो कोलोन होता है अपर इंटेस्टाइन एंड लोअर इंटेस्टाइन दोनों से इसका डिटेक्शन कर सकता है, बट जो एफआईटी है वो सिर्फ लोअर इंटेस्टाइन से इसका डिटेक्शन कर सकता है। तो ये होती है इसका कंपैरिजन करते हैं। तो फिर अपन आगे बात करते हैं, मेडिसिन एंड फूड डू नॉट इंटरफेयर विथ टेस्ट। इसके अंदर किसी भी प्रकार के अपन मेडिसिन लेते हैं और किसी भी प्रकार का फूड इंजेस्ट करते हैं तो उससे इसका जो रिजल्ट होगा वो इंटरफेयर नहीं होगा, इसकी जो रिजल्ट की एक्यूरेसी होगी वो चेंज नहीं होगी, बल्कि इसका कंपैरिजन यदि अपन एफओबीटी से बात करें तो एफओबीटी के अंदर मेडिसिन और फूड से जो इसका रिजल्ट है वो इंटरफेयर हो जाता है, जो रिजल्ट की एक्यूरेसी होगी, जो रिजल्ट का जो इंटरफेरेंस है वो उसके अंदर देखने को मिल सकता है।
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इसके अंदर बात करेंगे टेस्टिंग किट के बारे में। ये तो अपना इंट्रोडक्शन था, जो एफआईटी टेस्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन था। अब अपन बात करेंगे टेस्टिंग किट के बारे में, यानी टेस्टिंग किट किस तरह की होती है। तो इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है दो प्रकार की किट्स दिखाई दे रही है। एक तो जो राइट साइड के अंदर है, ये फर्स्ट जनरेशन किट है, यानी जो पहले जो किट्स यूज होती थी वो फर्स्ट जनरेशन किट यूज होती थी, जो इस तरह की होती थी। जो सेकंड वाली इमेज है लेफ्ट साइड के अंदर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो किट है ये सेकंड जनरेशन किट है, जो आजकल ज्यादातर आ रही है आज के टाइम के अंदर प्रचलन के अंदर है। वो सारी किट्स कौन सी? सेकंड जनरेशन किट है। जो फर्स्ट जनरेशन किट थी उसके अंदर आपको ये किट है, इस किट के साथ में आपको एक ब्रश दिखाई दे रहा है। ये ब्रश क्या करते थे, इस ब्रश से स्टूल को लेके जो किट है इसके ऊपर डालते थे। और आजकल क्या आ रहा है, आजकल एक ड्रॉपर आ रहा है, यानी एक ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर से वहां से स्टूल कलेक्ट किया जाता है और वो इसके ऊपर डाला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट्स बताते हैं। इस जो किट है, इस किट के अंदर जैसे प्रेगनेंसी किट होती है उसी के अकॉर्डिंग COT लिखा हुआ है, इसके अंदर दिखाई दे रहा है। यदि सिर्फ सी के ऊपर लाइन आ रही है, किसी पिंक लाइन आती है इसके अंदर, यदि सी पे पिंक लाइन आ रही है तो इसका मतलब होता है नेगेटिव है टेस्टिंग। और COT दोनों पे यदि पिंक लाइन आ रही है तो ये बताती है पॉजिटिव टेस्ट को। और जो सी है, सी के ऊपर लाइन आ रही है और टी के ऊपर अदर कलर की लाइन आ रही है, तो इसका मीन्स होता है ये पॉजिटिव है। ओके फ्रेंड्स, और इसके अलावा सी पे कोई लाइन नहीं आ रही और सिर्फ टी पे लाइन आ रही है, तो इसका मतलब होता है टेस्ट है वो इनवेलिड है। ओके फ्रेंड्स, जैसे जो पहले वाले इमेज है इसके अंदर ये कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन एफआईटी किट है ये, और जो दूसरे वाली इमेज है इसके अंदर है सेकंड जनरेशन एफआईटी किट। तो एक तरह से ये आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएगा, इस तरीके से एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, ये इमेज देके भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वाली किट है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे टेस्ट परफॉर्म प्रोसेस। इस टेस्ट को अपन करते कैसे, टेस्ट को परफॉर्म करने की प्रोसेस क्या है। यू विल बी गिवन द टेस्ट टू यूज एट होम, बी श्योर टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। इस टेस्ट को अपन घर पे भी कर सकते हैं, इस टेस्ट को हॉस्पिटलाइज्ड होने की जरूरत नहीं होती है, इसको घर पे किया जा सकता है। और इसके अंदर कुछ फॉलोइंग जो स्टेप्स होती है उन स्टेप्स का यूज करके इस टेस्ट को किया जाता है। जिसके अंदर सबसे पहले स्टेप की अपन बात करें तो फ्लश द टॉयलेट बिफोर हैविंग बाउल मूवमेंट। उसके अंदर ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, टॉयलेट सीट की बात करें। जैसे टॉयलेट सीट होती है, उस टॉयलेट सीट के अंदर उसको बाउल मूवमेंट होने से पहले, यानी टॉयलेट सीट के ऊपर बैठने से पहले उसको फ्लश किया जाता है। यानी पहले का यदि वहां पे कोई टॉयलेट कंपोनेंट है तो उसको फ्लश कर दिया जाता है, क्योंकि अपने को क्या करना होता है, पेशेंट को अपने टॉयलेट का, यानी जो अपना स्टूल है उस स्टूल का वहां पे सैंपल लेना होता है। तो वहां पे जो सीट होती है उस सीट को पहले फ्लश किया जाता है। फिर सेकंड अपन स्टेप की बात करें तो पुट द यूज्ड टॉयलेट पेपर इन द वेस्ट बैग प्रोवाइडेड, डू नॉट पुट इन इनटू द टॉयलेट बाउल। जो सीट होती है, जो बाउल होती है, उसके अंदर उस टॉयलेट पेपर को नहीं डाला जाता है, उससे हो सकता है वो बंद हो सकता है और उसके कारण से उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के अंदर इंटरफेरेंस हो सकता है। इसलिए जो टॉयलेट पेपर अपन ने यूज किया है उस टॉयलेट पेपर को वेस्ट बैग के अंदर ही डालें। फिर थर्ड स्टेप की बात करेंगे, यूज द ब्रश फ्रॉम किट। जो मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन किट है, उस फर्स्ट जनरेशन किट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वहां पे एक किट थी और एक था ब्रश, तो यहाँ पे उस ब्रश का यूज किया जाता है, यानी ब्रश यूज करते फ्रॉम किट, कहां से, किट से लेके, टू ब्रश द सरफेस ऑफ स्टूल। जो वहां पे पेशेंट ने जो स्टूल पास किया है उस स्टूल का जो सरफेस एरिया होता है उस सरफेस पे उस ब्रश को क्या करते, वहां पे ब्रश करते हैं, वहां पे यानी वहां पे उसका फ्रिक्शन करवाते हैं। एंड देन डिप द ब्रश इनटू टॉयलेट वाटर, और उसके बाद टॉयलेट वाटर के अंदर उसको अपन वहां पे फ्लश करवा देते हैं या फिर डिप करवा देते हैं। जो टॉयलेट वाटर सीट के अंदर भरा हुआ रहता है, फील रहता है वहां पे, उसके अंदर उसको डिप करवा देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, टच द ब्रश ऑन स्पेस इंडिकेटेड ऑन टेस्ट कार्ड। जो टेस्ट कार्ड के अंदर जो COT जहां पे लिखा होता है वहां पे जो स्पेस होता है जहां पे लाइन आती है, उस लाइन वाले एरिया पे अपन टच करते हैं उसको, किसको, ब्रश को। यानी अपने जो टॉयलेट होती है वो हार्ड होती है, स्टूल होता है ना, स्टूल वो हार्ड होता है, तो जो हार्ड जो अपना स्टूल होता है उस स्टूल के ऊपर उसको वहां पे फ्रिक्शन करवाया जाता है। और फ्रिक्शन करवा के उसको जो टॉयलेट वाटर होता है वहां पे सीट के अंदर, उस पानी के अंदर उसको डिप कराया जाता है। और डिप करा के जो कार्ड है, कार्ड के अंदर जो स्पेस होता है उस स्पेस के ऊपर उसको क्या किया जाता है, वहां पे टच किया जाता है। एड द ब्रश टू वेस्ट बैग, और उसके बाद में
जो ब्रश है उसको वेस्ट बेग के अंदर डाल देंगे, थ्रो इट अवे, और उसको दूर फेंक दिया जाएगा। सेंड द सैंपल टू लैब फॉर टेस्टिंग, और उसको फिर टेस्टिंग के लिए लैब के अंदर भेज दिया जाता है। डॉक्टर में आस्क यू टू टेस्ट मोर देन वन स्टूल सैंपल बिफोर सेंडिंग इट इन। वहां पर डॉक्टर क्वेश्चन करता है कि आपने जो सैंपल लिया है वो सिर्फ एक ही स्टूल से लिया है या फिर दो तीन तरह के जो स्टूल होंगे उनसे लिया है, ये आपको क्वेश्चन कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट की जो वैल्यू होती है वो देनी होती है। अब अपन इसके अंदर बात करेंगे, नेक्स्ट लाइन है अपनी प्रिपेयर फॉर टेस्ट। इस टेस्ट की कोई स्पेशल प्रिपरेशन हो तो उसके बारे में जानेंगे। डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग टू प्रिपेयर फॉर टेस्ट, इस टेस्ट की प्रिपेयरनेस के लिए कोई स्पेशल थिंग्स नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की स्पेशल प्रिपरेशन इस टेस्टिंग के लिए नहीं होती है। फिर अपन बात करेंगे हाउ द फील व्हेन टेस्टिंग, जब पेशेंट टेस्टिंग कर रहा होता है तो वो उस टाइम क्या फील करता है, उसके बारे में बात करेंगे। सम पीपुल मे बी स्क्वीमिस अबाउट कलेक्टिंग द सैंपल बट यू विल नॉट फील एनीथिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। वैसे मैक्सिमम लोगों को इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं होती है, बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्क्वीमिस फील होती है वहां पे। स्क्वीमिस यानी नक चढ़ी, यानी एक विचित्र प्रकार की फीलिंग्स आती है, एक विचित्र फीलिंग्स आ सकती है कुछ लोगों को, बट मैक्सिमम लोगों को इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं होती है। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो अपना नेक्स्ट लाइन है वो है व्हाई द टेस्ट इज परफॉर्मेड। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इस टेस्ट को करने की जरूरत क्यों है, इस टेस्ट से अपने को किस चीज का पता चलता है, यानी इस टेस्ट है इसको अपन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, इसका पर्पज क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ब्लड इन स्टूल में भी अर्ली साइन ऑफ कोलोन कैंसर, यदि स्टूल के साथ जो स्टूल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ में यदि ब्लड का कंपोनेंट मिक्स है या फिर स्टूल के साथ ब्लड पाया जाता है वहां पे प्रेसेंस होती है, तो वो क्या करती है, वो कोलोन कैंसर का अर्ली साइन होता है, यानी कोलोन कैंसर कोज होने वाला है या फिर उसकी अर्ली स्टेज है, उसका अर्ली साइन है। तो इस चीज को देखने के लिए अपन इस टेस्टिंग को करते हैं। वैसे कैंसर में मोस्टली होता क्या है, जो कैंसर की जो फर्स्ट स्टेज होती है या फिर जो प्री कैंसरी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के अंदर उसको अपन डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो पेशेंट जो ट्रीट होने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। बट जब जैसे जैसे जो कैंसर की गंभीरता बढ़ती जाती है, उसकी सीरियसनेस बढ़ती जाती है, उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रीट होने के चांसेस भी कम होते जाते हैं। इसीलिए अपन इसकी अर्ली स्टेज के अंदर इसको डिटेक्ट करते हैं और कैंसर कोज होने से अपन प्रिवेंट करते हैं। तो इसके अंदर स्टूल के अंदर अपने को सिर्फ और सिर्फ ब्लड को डिटेक्ट करना होता है। इसके अंदर जो स्टूल होता है इसके अंदर ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का यूज करते हैं, और जो एंटीबॉडीज होती है वो उसके अंदर अपना जो ह्यूमन एचबी होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए कैपेबल होता है, यानी एक तरह से अपने ह्यूमन एचबी को रिकॉग्नाइज करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है, इसीलिए इसके अंदर अपन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। अदरवाइज उस एंटीबॉडीज का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अपन उसको अपनी जो आंखें होती है इनसे अपन उसको देख नहीं पाते हैं, एक तरह से वहां पे इस तरह से देखा नहीं जा सकता है कि इसके अंदर ब्लड है, क्योंकि उस जो स्टूल का जो कंपोनेंट्स होता है उसके अंदर जो ब्लड होता है वो मिक्सिंग हो जाता है और बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए उसको अपन देख नहीं सकते हैं। दिस टेस्ट परफॉर्मेड टू डिटेक्ट ब्लड इन स्टूल दैट यू कैन नॉट सी, इसीलिए उसको अपन इस टेस्टिंग के द्वारा डिटेक्ट करते हैं। दिस टाइप स्क्रीनिंग कैन डिटेक्ट प्रॉब्लम्स दैट कैन बी ट्रीटेड बिफोर कैंसर डेवलप और स्प्रेड। जो इस तरह की जो स्क्रीनिंग होती है, जो पांच मेथड अपन ने यहाँ बात कर रहे हैं, ये पांचों के पांचों मेथड क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं जिसके कारण से अपने को जो कैंसर डेवलप होने वाली है या होने के चांसेस है उसको ट्रीट करने के यूज में आती है और उसकी स्प्रेडिंग को भी रोक सकते हैं। यदि अपन अर्ली स्टेज के अंदर इसको अपन डिटेक्ट कर ले, वहां पे ब्लड की प्रेसेंस से पता लगा ले कि यहाँ पे इसको कोलोन कैंसर हो सकता है, तो उस कंडीशन में कैंसर डेवलप होने से भी बचा सकते हैं और वहां पे उसको ट्रीट भी किया जा सकता है और उसकी जो स्प्रेड है उसको भी अपन रोक सकते हैं, यानी उसकी स्प्रेडिंग भी नहीं होगी। टॉक विथ योर डॉक्टर अबाउट व्हेन यू शुड हैव कोलोन स्क्रीनिंग, यदि इससे पहले आपकी किसी भी प्रकार की कोलोन स्क्रीनिंग हुई हुई है पेशेंट की तो वो डॉक्टर को उस कंडीशन में जरूर बता देनी चाहिए। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट। इसका जो नॉर्मल टेस्ट होगा, नॉर्मल टेस्ट की जो रिपोर्ट होगी उसके बारे में अपने को कैसे पता लगेगा। ए नॉर्मल रिजल्ट मींस द टेस्ट डिड नॉट डिटेक्ट एनी ब्लड इन द स्टूल। यदि अपने को रिपोर्ट्स के अंदर सिर्फ ये लिखा होता है कि रिपोर्ट्स नेगेटिव है या फिर टेस्ट नॉर्मल है,
तो इसका मींस ये होता है कि स्टूल के अंदर किसी भी प्रकार का ब्लड है वो डिटेक्ट नहीं हुआ है। फिर अपन बात करते हाउएवर बिकॉज कैंसर इन कोलोन में नॉट ऑलवेज ब्लीड, यदि इस टेस्ट के अंदर स्टूल के अंदर यदि ब्लड कंपोनेंट मिलता है वहां पे ब्लड की प्रेजेंस अपने को डिटेक्ट होती है तो इसका मींस कभी भी ये नहीं होता कि इसको कोलोन कैंसर है। ये एक तरह से कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है बट ये एक तरह से उसको अर्ली डिटेक्शन का एक तरह से स्क्रीनिंग मेथड है। तो जो सभी प्रकार की जो कोलोन कैंसर होती है इसके अंदर कभी भी ब्लड की वहां पे प्रेजेंस नहीं होती है, ये कभी जरूरी नहीं होता है कि ऑलवेज वहां पे ब्लीड मिले ही। यू मे नीड टू डू द टेस्ट ए फ्यू टाइम्स टू कंफर्म दैट देयर इज नो ब्लड इन योर स्टूल। हो सकता है आपने टेस्ट किया और उस कंडीशन में उसको वहां पे ब्लड कंपोनेंट नहीं मिला, तो उस कंडीशन में अपन उसका टेस्ट बार बार करते हैं। बार बार टेस्ट करने से क्या होगा, अपने को उसका कंफर्मेटरी टेस्ट का पता लग जाएगा। बट जरूरी नहीं है, यदि किसी को कोलोन कैंसर है फिर भी आप जब टेस्ट कर रहे हो और उस कंडीशन में वहां पे ब्लड कंपोनेंट मिले, वहां पे ब्लड की प्रेजेंस अपने को डिटेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए अपन उस टेस्ट को बार बार यूज करेंगे, यानी कुछ टाइम उसको दोबारा यूज करेंगे थोड़े टाइम बाद में, यानी उस टेस्ट को रिपीट किया जाता है। फिर अपन बात करेंगे अबनॉर्मल टेस्ट की। अबनॉर्मल टेस्ट का रिजल्ट का अपने को कैसे पता लगेगा, इफ FIT रिजल्ट कम बैक पॉजिटिव। यदि अबनॉर्मल टेस्ट किसको मानेंगे, अबनॉर्मल टेस्ट मानेंगे जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, और पॉजिटिव कब आएगा, जब वहां पे उस स्टूल के अंदर ब्लड का डिटेक्शन अपने को देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में उस टेस्ट को अपने को अबनॉर्मल मानना होता है, यानी उस टाइम उसको पॉजिटिव मानना होता है। FIT रिजल्ट कम बैक पॉजिटिव फॉर ब्लड इन स्टूल देन डॉक्टर वी विल, यानी डॉक्टर विल वांट टू परफॉर्म अदर टेस्ट। यदि वहां पे ब्लड की प्रेजेंस मिलती है तो उसको अपन उसी टाइम डॉक्टर कोलोन कैंसर नहीं बोलता है कि इसको कोलोन कैंसर हो गया है, वहां पे डॉक्टर उससे हायर जो टेस्ट होते हैं उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वहां पे चाहता है। डॉक्टर चाहता है कि कुछ अदर टेस्ट वहां पे कराया जाए, जैसे यूजुअली कोलोनोस्कोपी। यदि वहां पे कभी भी FIT टेस्टिंग पॉजिटिव आ जाती है तो उसके बेसिस पे कोलोन कैंसर को अपन डायग्नोस नहीं कर सकते। यदि FIT टेस्टिंग पॉजिटिव आती है तो उस कंडीशन के अंदर कोलोनोस्कोपी करने के लिए उसको बोला जाता है, यानी कोलोनोस्कोपी एक तरह से कंफर्मेटरी टेस्ट है। और जो FIT है वो क्या है, एक तरह से कोलोनोस्कोपी भी वैसे तो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर ही आता है, कंफर्मेटरी नहीं आता है, अकेली कोलोनोस्कोपी नहीं आता, बट जब FIT और FIT के बाद कोलोनोस्कोपी हो जाती है तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट के अंदर आता है। फिर अपन बात करेंगे द FIT टेस्ट डज नॉट डायग्नोस कैंसर। जो मैं पहले बता चुका हूं कि FIT टेस्ट कभी भी कैंसर को डायग्नोस करने के लिए यूज में नहीं आता है। स्क्रीनिंग टेस्ट सच एज सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कैन आल्सो हेल्प डिटेक्ट कैंसर। यानी कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की हेल्प लेनी होती है। जब FIT के साथ में जब अपन ने FIT पॉजिटिव आ गया तो वहां पे कोलोनोस्कोपी कर दी तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट में आएगा, या फिर सिग्मोइडोस्कोपी हो गई तो वहां पे भी कंफर्मेटरी टेस्ट में आएगा, और कंफर्मेटरी टेस्ट अपने को क्या करवाता है, कैंसर को डायग्नोस करवाता है। बट FIT टेस्टिंग है वो कभी भी कैंसर को डायग्नोस नहीं करवाती है। FIT प्लस सिग्मोइडोस्कोपी या फिर FIT प्लस कोलोनोस्कोपी, इससे अपने को कैंसर का डायग्नोस मिलता है। बोथ FIT टेस्ट एंड अदर स्क्रीनिंग कैन कैच कोलोन कैंसर अर्ली। यदि उसी लाइन के अंदर क्या पता लग रहा है कि FIT टेस्ट और जो अदर स्क्रीनिंग टेस्ट है, अदर कौन से, सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, ये दोनों टेस्ट करवा देते हैं तो अर्ली अपन कैंसर को, कोलोन कैंसर को अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, और इजियर टू ट्रीट, और आसानी से उसको ट्रीट किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब अपन बात करेंगे स्क्रीनिंग मेथड टू की। जो नंबर वन था FIT उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब नंबर टू है FOBT। FOBT यानी फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ए फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट FOBT लुक्स एट ए सैंपल ऑफ योर स्टूल फीसेस टू चेक फॉर ब्लड। इसका भी पर्पज उसी की तरह होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, स्कूल जो अपना स्टूल होता है, जो फीसेज होते हैं उसका सैंपल लिया जाता है और उसके अंदर अपने को ब्लड को डिटेक्ट करना होता है, यानी वहां पे ब्लड को देखना होता है, यानी ब्लड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ही FOBT टेस्ट को अपन यूज करते हैं। बट जो इसकी जो एक्यूरेसी होती है रिजल्ट की, वो FIT की कंपैरिजन में कम होती है। और वो कम क्यों होती है इसके बारे में अपन डिटेक्ट करेंगे। ओकल ब्लड मीन्स, ओकल ब्लड का मतलब क्या होता है, दैट यू कैंट सी इट विथ नेक्ड आई। इसको अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ओकल ब्लड का मीन्स क्या होता है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और फिकल यानी स्टूल के अंदर,
फीकल यानी स्टूल के अंदर ओकल्ट यानी ऐसा ब्लड का कंपोनेंट जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे सकता, उस तरह के ब्लड को अपन देखने के लिए जो टेस्टिंग करते हैं उसको अपन एफओबीटी बोलते हैं। फिर बात करते हैं ब्लड इन स्टूल। ब्लड के अंदर यदि स्टूल है इसका मींस क्या है, देयर इज लाइकली सम काइंड ऑफ ब्लीडिंग इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यदि स्टूल के अंदर ब्लीडिंग डिटेक्ट होती है तो इसका सीधा सा मींस यही होता है कि कहीं पे भी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ब्लीडिंग हुई है। जब ब्लीडिंग हो जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर तो वो स्टूल के अंदर आएगी। ओके फ्रेंड्स, इट मे बी कॉज्ड बाय ए वैरायटी ऑफ कंडीशन। ये जो ब्लीडिंग वहां पे प्रेजेंस दिखाई देती है ये अलग अलग वैरायटी और अलग अलग कंडीशंस के अंदर भी हो सकती है, कि जरूरी नहीं है वहां पे स्टूल के साथ ब्लीडिंग दिखाई दे तो सिर्फ कोलोन कैंसर का ही साइन हो, उसके कुछ अलग कोज भी हो सकते हैं। जैसे पोलिप्स, यदि कहीं पोलिप्स दिखाई देते हैं, यदि अपने इंटेस्टाइन में कहीं पोलिप्स हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी स्टूल के साथ ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। यदि हेमरॉइड्स हो सकते हैं तो उस कारण से भी वहां पे ब्लीडिंग दिखाई दे सकते हैं स्टूल में। यदि डायवर्टिकुलोसिस है, यानी डायवर्टिकुलोसिस है तो उस कंडीशन में भी वहां पे ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। यदि अल्सर्स हो गए कहीं इंटेस्टाइन में तो उस कंडीशन में भी वहां पे ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। और कोलाइटिस हो जाए, कोलोन के अंदर इंफ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन में भी वहां पे फ्रिक्शन के कारण से, स्टूल का फ्रिक्शन के कारण से वहां पे ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। तो ये अदर कोज जो 5 कोजेज है, पोलिप्स, हेमरॉइड्स, डायवर्टिकुलोसिस, अल्सर और कोलाइटिस, इन 5 कोज है, इनके अंदर में भी वहां पे ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। इसीलिए अपन एफओबीटी के अंदर यदि वहां पे ब्लड का कंपोनेंट दिखाई देता है, यदि एफआईटी भी कर सकते हैं एफओबीटी, इन दोनों कंडीशंस के अंदर वहां पे ब्लड यदि मिलता है या ब्लड की प्रेजेंस अपने को डिटेक्ट होती है तो इसको अपन कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ब्लीडिंग का कोज है वो ये 5 जो यहाँ पे कोज दिए गए इनमें से भी हो सकते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अपन बात करेंगे एफओबीटी का इंट्रोडक्शन की और बात कर लेते हैं, वो इंट्रोडक्शन पहले वाले पेज में खत्म नहीं हुआ था। ब्लड इन स्टूल में आल्सो बी साइन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। यदि स्टूल के साथ ब्लड डिटेक्ट हो रहा है तो सीधा सा वो साइन है कोलोरेक्टल कैंसर का। हालांकि कोलोरेक्टल कैंसर को वहां पे डायग्नोस नहीं कर रहा है, कंफर्म टेस्ट नहीं बता रहा है, बल्कि अपने को एक साइन दे रहा है कि इसको कोलोरेक्टल कैंसर है, वो हो सकता है। ए टाइप ऑफ कैंसर दैट स्टार्ट इन कोलोन और रेक्टम। ये एक जो कोलोरेक्टल कैंसर है ये एक प्रकार की वो कैंसर है जो कोलोन या रेक्टम से स्टार्ट होती है, यानी वो कैंसर जो कोलोन से, यानी कोलोन किसको बोलेंगे, जो अपने लार्ज इंटेस्टाइन होगी उसको, जो अपने कोलोन से या फिर रेक्टम से किसी भी प्रकार का कैंसर डेवलप होता है या स्टार्ट होता है या वहीं से उसका प्रोडक्शन होता है तो उसको अपन कोलोरेक्टल कैंसर बोलेंगे। कोलोरेक्टल कैंसर इज सेकेंड लीडिंग कोज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ इन यूनाइटेड स्टेट। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कोलोरेक्टल कैंसर है वो क्या है, सेकेंड लीडिंग कोज है, यानी दूसरा सबसे बड़ा कारण है कैंसर से मरने वाले लोगों की। यदि कैंसर से जितने भी लोग मरते हैं उनमें सबसे जो बड़ा जो कारण होता है, उनमें जो दूसरे नंबर पे जो कारण आता है वो क्या है, कोलोरेक्टल कैंसर। कहां पे, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। यानी यूनाइटेड स्टेट के अंदर जितने भी कैंसर से लोग मरते हैं उनमें से दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, कोलोरेक्टल कैंसर है। फिर अपन बात करते हैं थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेन एंड इन वुमेन। यदि किसी भी मेन और वुमेन के अंदर सबसे तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कैंसर यदि पाया जाता है तो वो है थर्ड, और वो कौन सा है, कोलोरेक्टल कैंसर। तो इसमें दो क्वेश्चन बन गए। यदि यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो सबसे गंभीर जो टेस्ट है, जो सॉरी कैंसर है, वो जो दूसरे नंबर पे आता है वो क्या है, कोलोरेक्टल कैंसर। और जो मेन और वुमेन दोनों के अंदर जो पूरे विश्व की बात करें तो जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो सबसे खतरनाक या फिर डेंजरस कैंसर की बात करें, और या फिर जो अपन इस तरह से मान सकते कि जो लीडिंग कोज है डेथ का, वो कौन सा है, थर्ड नंबर के ऊपर देख सकते हैं। यानी वर्ल्ड वाइड देखे तो थर्ड नंबर पे है, और यदि यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो सेकेंड नंबर पे है। यानी जो मेन और वुमेन के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर की बात करें तो वो क्या है, थर्ड नंबर पे कोलोरेक्टल कैंसर। ए फिकल ओकल ब्लड टेस्ट, यानी जिसको एफओबीटी बोलते हैं, स्क्रीन टेस्ट है दैट में हेल्प फाइंड कोलोरेक्टल कैंसर अर्ली व्हेन ट्रीटमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव। यानी एक तरह से ये स्क्रीन टेस्ट है जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं, और स्क्रीनिंग टेस्ट है, और ये क्या हेल्प करता है, कोलोरेक्टल कैंसर को अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है और उसके अंदर हेल्प करता है, जिसके कारण से जो अपन ट्रीटमेंट देंगे वो मोस्ट इफेक्टिव रहेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैंसर के अंदर अर्ली स्टेज के अंदर जो ट्रीटमेंट की जो इफेक्टिवनेस होती है वो ज्यादा होती है,
और जो लेट स्टेज के अंदर कैंसर की जो इफेक्टिवनेस होती है ट्रीटमेंट की वो कम होती है। यानी कैंसर की जो गंभीरता जो सीरियसनेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो उसकी ट्रीटमेंट की जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती जाती है, यानी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। फिर अपन बात करेंगे अदर नेम ऑफ टेस्ट, जो FOBT टेस्ट है इसके कुछ अदर नेम्स भी होते हैं तो उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको बोलते हैं FOBT यानी फीकल ओकल्ड ब्लड टेस्ट। फिर बात करेंगे स्टूल ओकल ब्लड टेस्ट, तो स्टूल ओकल ब्लड टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो फीकल और स्टूल एक ही चीज होती है, फीकल को ही अपन स्टूल बोलते हैं तो इसका ये नाम भी कहीं पे भी लिखा आ सकता है। एक इसको अपन ओकल्ड ब्लड टेस्ट भी बोल सकते हैं, यानी स्टूल का नाम हटा के सिर्फ ओकल्ड ब्लड टेस्ट भी नाम बोल सकते हैं इसका। एक होता है हीमोकल्ट, यानी इसको हीमोकल्ट टेस्ट भी बोला जाता है। एक होता है ग्वेक स्मियर टेस्ट, इसको ग्वेक स्मियर टेस्ट भी बोलते हैं। एक अपन ग्वेक फीकल ओकल्ड ब्लड टेस्ट यानी GFOBT, यहाँ पे स्मॉल जी लगा के FOBT लिख देते हैं, यानी जी का मीन्स क्या है यहाँ पे, ग्वेक फीकल ओकल्ड ब्लड टेस्ट। या फिर इसको अपन IFOBT भी बोल सकते हैं। एक तो होता है IFT, IFT तो क्या है इम्यूनोफिको, जिसके अंदर IFBT क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनोकेमिकल फीकल ओकल्ड ब्लड टेस्ट। यहाँ पे क्या होगा इम्यूनोकेमिकल फीकल ओकल्ड ब्लड टेस्ट, और जो अपना पहले वाला टेस्ट था वो क्या था FIT यानी फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट, उसके अंदर क्या था FIT था, और ये क्या है IFOBT यानी इसके अंदर FOBT के साथ में आई और लगा दिया जाता है यानी इम्यूनोकेमिकल। अब यहाँ पे इम्यूनोकेमिकल FOBT लिखा आता है तो इसका मीन्स ये नहीं है जो अपने जो पहला जो मेथड था वो जो पढ़ चुके हैं यानी FIT यानी फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग, उसका अलग है यानी वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पे बात करेंगे व्हाई नीड FOBT, FOBT की जरूरत क्यों है, क्यों करते हैं अपन FOBT की। द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट रिकमेंड्स दैट पीपुल गेट रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर कोलोरेक्टल कैंसर स्टार्टिंग एट एज 50। जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है वो क्या रिकमेंड्स करता है, वो चाहता है कि वो सभी लोग जो 50 ईयर की एज को क्रॉस कर चुके हैं उनको सबको रेगुलर स्क्रीनिंग कोलोरेक्टल कैंसर की कराते रहने की जरूरत है। यानी जो लोग 50 ईयर की एज क्रॉस कर चुके हैं उनको वहां पे कोलोरेक्टल कैंसर की जो स्क्रीनिंग होती है वो रेगुलर करवाते रहना चाहिए, यानी FOBT या FIT टेस्ट को वहां पे करवाते रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि कितनी बार करवाना चाहिए, तो स्क्रीनिंग में भी फीकल ओकल ब्लड टेस्ट और अनोल्ड टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, जो स्क्रीनिंग है वो क्या है फीकल ओकल ब्लड टेस्ट और जो अनोदर टाइप की कोई स्क्रीनिंग होती है उन दोनों को एक साथ करेंगे तो ही इसका जो कंफर्मेटरी डायग्नोस अपन बना सकते हैं। जो FIT के साथ जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन इस FOBT के साथ में है। बट देज टेस्ट में इंक्लूड, इसके अंदर FOBT के अंदर कई प्रकार के टेस्टिंग होती है, स्क्रीनिंग के कई तरह के मेथड्स होते हैं जिनमें से जो मोस्टली अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो जो एक तो होता है स्टूल DNA टेस्ट, एक तो होता है स्टूल DNA टेस्ट यानी जो FOBT के अंदर, उसके अंदर तो अपन क्या कर रहे थे एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का यूज कर रहे थे, किसमें जो FIT जो फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग थी उसके अंदर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का यूज कर रहे थे, और वो एंटीबॉडीज क्या कर रही थी वहां पे एक तरह से उसके अंदर एक पोटेंसी थी किसको, जो वहां पे जो ब्लड है कौन सा ब्लड जो ह्यूमन HB, वहां पे ह्यूमन HB को रिकॉग्नाइज्ड की करने की उसकी कैपेसिटी थी। बट जो FOBT है इसके अंदर जो स्टूल DNA टेस्ट करते हैं, यानी फॉर दिस टेस्ट यू कैन यूज एन एट होम टेस्ट किट, यानी इसके अंदर भी एक तरह की टेस्टिंग किट होती है उसके अंदर थी वैसे ही, और उसको अपन होम यानी घर पे ही उस टेस्टिंग को कर सकते हैं। टू टेक ए सैंपल ऑफ योर स्टूल एंड रिटर्न इट टू लैब, यानी घर पे ही इस टेस्ट को करके और जो टेस्टिंग किट है इसके ऊपर सैंपल लेके और उसको अपने लैब के अंदर भेज सकते हैं रिटर्न, और लैब के अंदर उसका रिजल्ट है उसको एक्यूरेसी के साथ उसको पढ़ लिया जाता है और जो वहां पे पैथोलॉजिस्ट होगा वो उसकी रिपोर्ट तैयार कर देगा। चेक फॉर ब्लड एंड जेनेटिक चेंजेस That may be sign of cancer. देखो उसके अंदर क्या कर रहे थे सिर्फ HB को डिटेक्ट कर रहे थे, बट FOBT के अंदर क्या करते वहां पे एक तो जो ब्लड होता है उस ब्लड को भी डिटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा जेनेटिक चेंजेस के द्वारा, और कुछ साइन अदर भी होते हैं जो कुछ जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, यानी जब कैंसर की जो अर्ली स्टेज होती है या प्री कैंसरियस सिचुएशन होती है उस प्री कैंसरियस सिचुएशन के अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं जो स्टूल के अंदर भी अपने को प्रेसेंस या वहां पे भी डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पे देखा जाता है। फिर बात करते हैं
इफ टेस्ट इज पॉजिटिव यू विल नीड ए कोलोनोस्कोपी। यदि वहां पे टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है एफओबीटी के अंदर, तो यहाँ पे भी क्या करवाया जाता है, कोलोनोस्कोपी करवाया जाता है। जैसे एफआईटी के अंदर था वैसे ही इसके अंदर होता है, क्योंकि एफआईटी और एफओबीटी क्या प्रकार के, एक प्रकार से स्क्रीनिंग टेस्ट है। और जब एफआईटी और एफओबीटी हो जाता है और उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो उस कंडीशन में अपने को कोलोनोस्कोपी करवाना होता है। कोलोनोस्कोपी की बात करते हैं, जैसे एक तो इसके अंदर स्टूल डीएनए टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कोलोनोस्कोपी। दिस इज ए माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, कोलोनोस्कोपी एक तरह से माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है। फर्स्ट बी गिवन माइल्ड सिडेटिव टू हेल्प इन रिलैक्स। कोलोनोस्कोपी में सबसे पहले पेशेंट को माइल्ड सिडेटिव दिया जाता है, जिनके कारण से पेशेंट रिलीफ महसूस करे या फिर वहां पर रिलैक्स हो जाए। देन हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल यूज थिन ट्यूब। और उसके बाद जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, जो एचसीपी होता है, वो एक थिन ट्यूब होती है, उसको लुक्स इनसाइड योर कोलोन। उस ट्यूब के यूजेज से, उस ट्यूब को काम में लेके जो पेशेंट का जो इनसाइड का कोलोन होता है उसको देखता है, यानी उसका विजुअलाइजेशन करता है। कोलोनोस्कोपी से क्या होता है, कोलोन का इनर साइड का विजुअलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे व्हेन नीड एफओबीटी, जो एफओबीटी टेस्टिंग है उसकी कब कब जरूरत होती है, यानी कितने टाइम के बाद अपने को रेगुलर करवाना चाहिए। तो जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर इतना तो अपन पढ़ चुके कि 50 ईयर के बाद उसको रेगुलर टेस्टिंग की जरूरत होती है। फिर बात करते हैं, ए स्टूल डीएनए टेस्ट शुड बी टेकन एवरी 3 ईयर, यानी जो स्टूल डीएनए टेस्ट है वो हर 3 साल बाद, यानी प्रत्येक 3 साल बाद वहां पे करवाना ही होता है। फिर बात करते हैं, कोलोनोस्कोपी शुड बी डन एवरी 10 ईयर। और कोलोनोस्कोपी है जो कन्फर्मेटरी टेस्ट बताते हैं अपने को, जो अपने को डायग्नोज करती है इसको, वो कोलोनोस्कोपी हर 10 साल के बाद अपने को करवानी चाहिए। और इन सभी दोनों सिचुएशंस की कब जरूरत पड़ती है, अब वो 50 ईयर, यानी 50 ईयर के बाद इस टेस्टिंग को करवाना अपन स्टार्ट करते हैं। फिर बात करते हैं, यू मे नीड स्क्रीनिंग मोर इफ हैव सर्टेन रिस्क फैक्टर। ये जो 3 ईयर और 10 ईयर का जो पैमाना है यहाँ पे, जो ए स्टूल डीएनए टेस्ट, जो स्टूल डीएनए टेस्ट अपने को 3 साल बाद करवाना चाहिए, और जो कोलोनोस्कोपी है वो हर 10 साल बाद करवाना चाहिए। बट ये जब नॉर्मल पेशेंट होता है उस सिचुएशंस में ये रूल लागू होता है। यदि कोई पेशेंट है जिसको रिस्क फैक्टर ज्यादा है, जो कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है, इस तरह के इन्वायरमेंट्स में वो काम करता है, तो उस कंडीशंस के अंदर वो टेस्टिंग है वो अपने को जल्दी भी करवाना पड़ सकता है। जैसे अपन बात करें तो जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री रहती है कोलोरेक्टल कैंसर की, या फिर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है, या फिर ओबेसिटी है, या एक्सेसिव एल्कोहल यूज करता है, तो इस तरह के जो कोज होते हैं ये क्या है, रिस्क फैक्टर है। तो इस प्रकार के रिस्क फैक्टर होते हैं, तो वहां पे 3 ईयर और 10 ईयर का जो यहाँ पे पैमाना दिया गया है उसको चेंज करने की जरूरत है, यानी अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन। वहां पे जो डॉक्टर है वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा कि आपको कितने टाइम बाद अपने को स्क्रीनिंग करवानी है, वो पेशेंट की जो इफेक्टिवनेस और वहां पे जो रिस्क फैक्टर की जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर वहां पे डिसाइड करता है। अब अपन बात करेंगे टेस्ट प्रोसेस, जो टेस्ट का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। फिकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट इज नॉन इन्वेसिव टेस्ट। देखो जो फिकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट है, एफओबीटी टेस्ट है, ये नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग है। देखो इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग क्या होती है, जब इन्वेसिव टेस्टिंग के अंदर तो किसी भी प्रकार की इंजरी कोज करते हैं वहां पे, यानी पेशेंट की स्किन पे या फिर जो म्यूकोसा या फिर वाल पे किसी न किसी प्रकार की इंजरी कोज करते हैं वहां पे, तो उस टेस्टिंग को अपन इन्वेसिव टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे ब्लड सैंपल भी यदि कलेक्ट करना होता है अपने को, तो वहां पे नीडल से इंजरी होती है, तो वो क्या एक प्रकार से इन्वेसिव टेस्ट है। तो इसी तरह से जो फिकल ओकल ब्लड टेस्ट है ये नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग है, क्योंकि ये तो स्टूल से सैंपल लिया जाता है। देट यू कैन परफॉर्म एट होम, इसीलिए इसको घर पे किया जा सकता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल गिव यू ए किट दैट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू डू द टेस्ट। इसके अंदर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, जो एचसीपी होता है, वो पेशेंट को एक किट प्रोवाइड करवाता है और उसको बोलता है कि इस किट को आपको इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्मा होता है, उस इंस्ट्रक्शंस को यूज करके इस टेस्टिंग को अपने को घर पे ही करना होता है। देर आर टू मेन टाइप ऑफ फिकल ओकल ब्लड टेस्ट। वैसे 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, बट मोस्टली 2 प्रकार के जो फिकल ओकल ब्लड टेस्ट होते हैं जिनको अपन पढ़ते हैं। जो नंबर 1 है वो होता है ग्वेक स्मेयर मेथड, यानी GFOBT, एंड नंबर 2 इम्यूनोकेमिकल मेथड, यानी IFOBT।
या फिर जिसको अपन FIT भी बोल सकते हैं, फिकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग, जो अपन वहां पे पढ़ चुके हैं पहले वाली स्लाइड के अंदर। तो जो टेस्ट है FOBT टेस्टिंग, ये दो प्रकार से होता है, एक तो IFT होता है, सॉरी FIT होता है फिकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट, एक होता है GFOBT यानी ग्वीक स्मीयर मेथड। तो यहां पे सबसे पहले तो अपन बात करेंगे ग्वीक स्मीयर टेस्ट के बारे में। कलेक्ट सैंपल फ्रॉम 3 सेपरेट बाउल मूवमेंट, इसके अंदर 3 बाउल मूवमेंट, 3 सेपरेट बाउल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, जब वहां पे बाउल कर रहा होता है, जहां वहां पे स्टूल पास कर रहा होता है, तो उस कंडीशंस में 3 डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड के अकॉर्डिंग या फिर एक स्पेस के बाद जैसे स्टूल आता है, कंटिन्यूअस में तो स्टूल आता नहीं, जैसे एक बार स्टूल आया, जो दूसरे वाला स्टूल आता है उनके बीच जो गैप होता है, उस गैप के बाद जो दूसरे वाला स्टूल आता है, यानी अलग अलग प्रकार का जो स्टूल का जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, यानी 3 सैंपल, यानी 3 सेपरेट सैंपल लिया जाता है, क्योंकि हो सकता है जो फर्स्ट स्टूल आता है उस फर्स्ट स्टूल के अंदर किसी भी प्रकार का ब्लड कंपोनेंट अपने को डिटेक्ट नहीं हो, इसीलिए 3 बाउल डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट 3 बाउल मूवमेंट, उनसे अपने को सैंपल कलेक्ट करना होता है। फिर बात करते हैं फॉर ईच सैंपल कलेक्ट स्टूल एंड स्टोर इन क्लीन कंटेनर। जो 3 सैंपल अपन लेते हैं, तीनों के अंदर अपन स्टूल कलेक्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा वहां से, और उसको एक क्लीन कंटेनर के अंदर इसको अपन स्टोर करते हैं। ओके, यहाँ पे वहां पे स्टोर कर लेते हैं। उसके अंदर तो सिर्फ ब्रूस ने उसके अंदर थोड़ा सा सैंपल लिया जा रहा था, बट इसके अंदर स्टूल का ही सैंपल लिया जाता है, यानी वहां पे स्टूल का ही एक पार्ट उठाया जाता है। मेक श्योर द सैंपल डज नॉट मिक्स इन विथ यूरिन और वाटर, अपने को ध्यान रखना होता है वहां पे, सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि किसी भी प्रकार से यूरिन और वाटर के साथ उस स्टूल के सैंपल की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वहां पे क्या होता है, जो रिजल्ट की जो एक्यूरेसी होती है वो चेंज हो जाती है। यूज द एप्लीकेटर फ्रॉम योर टेस्ट किट टू स्मीयर सीमियर सम ऑफ द स्टूल, वहां पे एक एप्लीकेटर का यूज किया जाता है टेस्टिंग के लिए, फ्रॉम योर टेस्ट किट, वहां पे टेस्टिंग किट के अंदर एक एप्लीकेटर होता है, उस एप्लीकेटर को निकाला जाता है टेस्टिंग किट से, और स्मीयर सम ऑफ स्टूल, और वहां पे स्टूल को देखा जाता है उस एप्लीकेटर के ऊपर ऑन द टेस्ट कार्ड और स्लाइड, और जो एप्लीकेटर से स्टूल को थोड़ा सा सैंपल कलेक्ट करके अपन एक किसी भी कार्ड पे, टेस्टिंग कार्ड पे ले लेंगे या फिर किसी भी प्रकार की स्लाइड्स के ऊपर उसको ले लिया जाता है। आल्सो इंक्लूड इन योर किट, जो अपने को कहां मिलती है, किट के अंदर, जब इसके एक किट होती है वो पैकिंग होती है, उस किट को अपन खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ तो कंटेनर होते हैं जिसके अंदर सैंपल को कलेक्ट करना होता है, और एक होता है एप्लीकेटर। एप्लीकेटर क्या होता है, स्टूल को कलेक्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस एप्लीकेटर से वहां से स्टूल थोड़ा सा उठाया जाता है और उसको या तो उस टेस्टिंग कार्ड पे ले लिया जाता है या फिर किसी भी प्रकार की स्लाइड्स पे ले लिया जाता है। तो जो कार्ड होता है उस कार्ड पे ले लिया जाता है और उसके बाद में टेस्टिंग किट के अंदर उसको पैकिंग कर दिया जाता है, यानी कैसे, लेबल एंड सील ऑल योर सैंपल्स एज डायरेक्टेड, और उसके बाद उसको लेबल कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, किस लिए, लेबोरेटरी में भेजने के लिए, सेंड द सैंपल टू लैब। फिर अपन बात करेंगे फिकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट, जो दूसरे वाला टेस्ट कौन सा था, फिकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी अपन इस तरह से मान सकते हैं कि फिकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग एक अलग टेस्टिंग है, इसको एक अलग से भी किया जा सकता है या फिर FOBT के अंदर भी इसको अपन इंक्लूड करते हैं। तीसरे नंबर पे टेस्ट होता है फ्लेसेबल रिएजेंट पेड, जिसके बारे में मैंने अभी पहले वाले स्लाइड में डिस्कस नहीं किया था, मैंने बोला था मोस्टली सिर्फ 2 टेस्ट किए जाते हैं, ग्वेक स्मेयर टेस्ट और एक होता है फिकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट, बट जो टेस्ट होते हैं वो होते 3 है, एक होता है फ्लेसेबल रिएजेंट पेड, जिसके बारे में अपन स्लाइड के अंदर अगली वाले में देखते हैं। ये जो 3 तरह के टेस्टिंग होती है, टाइप्स ऑफ फिकल ओकल ब्लड टेस्ट, जो 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, नंबर 1 ग्वेक स्मीयर टेस्ट, इसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको ग्वेक स्मीयर टेस्ट है, इसके अंदर 3 स्टूल के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, जो इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इमेज के अंदर नंबर 1 में। स्मीयर ऑन कार्ड, इसके अंदर जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 कार्ड है, इनके अंदर स्टूल को अपन कलेक्ट कर लिया, सेंड टू लैब, और उसको बाद में लेबोरेटरी के अंदर भेज दिया जाता है। इसके अंदर कलर, जो कलर चेंजिंग केमिकल डिटेक्ट ब्लड, इसके अंदर कुछ कलर चेंजिंग केमिकल्स का यूज होता है। जो ग्वेक स्मीयर टेस्ट है, देखो जो फिकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग था उसके अंदर क्या यूज किया था, एंटीबॉडीज को यूज किया था अपन ने, जो एक जो ह्यूमन HB होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कैपेबल होता है, उसी तरीके से जो ग्वेक स्मीयर टेस्ट है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि इसके अंदर किस मैकेनिज्म से इस टेस्ट को किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ कलर चेंजिंग केमिकल्स होते हैं वो इसके ऊपर डाले जाते हैं और वो स्टूल के अंदर ब्लड के डिटेक्शन को चेक करते हैं। फिर बात करते हैं फिकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट, इसके अंदर अपन पहले ही बात कर चुके हैं,
इसके अंदर में भी एक से तीन सैंपल लेते हैं, यानी एक सैंपल में भी काम चल सकता है और तीन सैंपल में भी काम चल सकता है, यानी थ्री सैंपल भी ले सकते हैं, बट इसके अंदर कंपलसरी नहीं होता है कि तीन सैंपल ले ही, या फिर जैसे ग्वेक स्मेयर टेस्ट होता है तो उसमें थ्री सैंपल लेने जरूरी होते हैं। तो इसके अंदर भी स्मेयर ऑन कार्ड, जो अपना टेस्टिंग जो किट होती है, जो कार्ड होता है, उस पर स्मेयर को लेते हैं और फिर उसके बाद लेबोरेटरी के अंदर भेज देते हैं। बट इसके अंदर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का यूज होता है जो ब्लड को डिटेक्ट करती है। फिर बात करते हैं नंबर थ्री टेस्ट, जिसका नाम होता है फ्लूसेबल रीएजेंट पेड। यानी इसके अंदर एक रीएजेंट पेड होती है अपने पास, उस पेड का यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं? पहले से पेड इन टॉयलेट 3 डेज इन ए रो, यानी रो यानी एक कतार के अंदर, एक कतार के अंदर कुछ पेड्स होते हैं, उन पेड्स को टॉयलेट सीट के अंदर 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। यानी जहां पे अपन स्टूल करते हैं, जिस सीट के अंदर, टॉयलेट सीट के अंदर, उस सीट के अंदर वहां पे उसको छोड़ दिया जाता है। और पेड जो पेड होती है वो चेंजेज कलर इफ ब्लड इज डिटेक्टेड। जो पेड होती है उस पेड के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक रिएजेंट होता है जो पहले से उसके साथ मिक्सिंग रहता है। जो पेड का जो प्रोडक्शन होता है, जो कंपनीज उसको बनाती है, तो उसके अंदर उस रिएजेंट को पहले से डाल के रखती है, जिसके कारण से उसको यदि वहां पे डाला जाता है, उससे कहां पे यानी एक रो के अंदर टॉयलेट सीट के अंदर रख दिया जाता है 3 डेज के लिए, तो उसके अंदर यदि ब्लड होगा उस टॉयलेट के अंदर या उस स्टूल के साथ अपना ब्लड की मिक्सिंग होगी, तो उस कंडीशन में जो पेड होगी उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो रिकॉर्ड रिजल्ट योवर सेल, तो इस टेस्ट के अंदर जो रिजल्ट है उसको अपन योवर सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो तीन टेस्टिंग होते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन ये भी बन सकता है। देखो जो नंबर वन है ग्वेक स्मेयर टेस्ट, इसके अंदर क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो इसके अंदर थ्री सैंपल लिए जाते हैं। नंबर टू, इसके अंदर जो कलर चेंजिंग केमिकल्स का यूज किया जाता है ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए। फिर नंबर टू है फिकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग, इसमें एक से तीन सैंपल लिए जाते हैं और इसके अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है जो एक ह्यूमन एचबी को डिटेक्ट करने के लिए केपेबल होती है। फिर बात करते हैं फ्लूसेबल रिएजेंट पेड की, तो इसके अंदर एक पेड का यूज किया जाता है, उसके अंदर रिएजेंट मिक्सिंग होता है और उसको 3 डेज तक एक रो के अंदर टॉयलेट सीट के अंदर रख दिया जाता है, और यदि उसके अंदर ब्लड की प्रेसेंस होगी तो वहां पे जो पेड होगा उसका कलर चेंज मिलेगा। यदि इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा फिकल ओकल ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर रिजल्ट अपन योर सेल्फ देख सकते हैं, तो वो क्या है, फ्लूसेबल रिएजेंट पेड। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड, फिर अपन बात करेंगे नीड टू डू प्रिपेयर फॉर टेस्ट। इस प्रिपेयर जो टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं वहां और किन चीजों की जरूरत होती है, यानी वहां पे स्पेशल प्रिक्वेशंस की और क्या जरूरत होती है। फूड्स एंड ड्रग्स में अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ ग्वेक स्मेयर मेथड, यानी जो एफओबीटी यानी जीएफओबीटी ग्वेक स्मेयर जो मेथड होता है, ग्वेक फिकल ओकल ब्लड टेस्ट होता है, उस टेस्टिंग के अंदर कुछ फूड्स और ड्रग्स होते हैं वो इसके रिजल्ट्स की एक्यूरेसी को चेंज कर देते हैं। बट जो एफआईटी टेस्टिंग था, जो फिकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग होता है, उसके अंदर जो किसी भी प्रकार का फूड और ड्रग्स वहां पे उसकी रिजल्ट की एक्यूरेसी को चेंज नहीं कर सकते, वो इसके अंदर डिफरेंस है। फिर अपन बात करेंगे अवॉइड द फॉलोइंग, यदि वहां पे कुछ ड्रग्स और फूड्स है वो इसकी रिजल्ट की एक्यूरेसी को चेंज कर देते हैं, इसीलिए अपने को कुछ फूड्स और ड्रग्स की बात करें तो उनको अवॉइड करना चाहिए। उनकी लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे एनएसएआईडी यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जो एनएसएआईडी ड्रग होती है, जैसे आइबुप्रोफेन होगी, जो नेप्रोक्सेन होता है, एस्प्रिन होता है, इन सभी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। कब? टेस्ट करवाने से 7 दिन पहले इनको बंद कर देना चाहिए। यदि अपने को आज टेस्ट करवाना है तो इससे प्रीवियस 7 डेज पहले ही इसको बंद कर देना चाहिए, किनको, जो एनएसएआईडी यदि अपन ले रहे हो। फिर बात करेंगे एसिटामिनोफेन में भी सेफ टू यूज ड्यूरिंग टाइम, यदि अपने को इस टेस्टिंग को करवाना होता है तो वहां पे एसिटामिनोफेन ले सकते हैं, वो इस तरह से सेफ ड्रग होती है। फिर बात करते हैं मोर देन 250 mg ऑफ विटामिन सी डेली फ्रॉम सप्लीमेंट्स, फ्रूट जूस और फ्रूट्स फॉर 7 डेज पीरियड टू योर टेस्ट। यदि अपन 250 mg से ज्यादा विटामिन सी ले रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट से, यानी किसी भी प्रकार की डाइट से या फ्रूट जूस से या फ्रूट से, तो उसको भी अपने को अवॉइड करना है। यानी 250 mg 250 mg विटामिन सी डेली, इससे ज्यादा की विटामिन सी अपने को नहीं लेनी होती है, क्योंकि ज्यादा एक्सेसिव विटामिन सी, किससे ज्यादा, 250 mg से ज्यादा पर डे की विटामिन सी रिजल्ट की एक्यूरेसी को चेंज कर देती है। विटामिन सी कैन अफेक्ट द केमिकल्स इन टेस्ट एंड कोज इन नेगेटिव रिजल्ट्स इवन इफ देयर इज ब्लड प्रेजेंट, यदि स्टूल के अंदर ब्लड की प्रेसेंस है फिर भी विटामिन सी क्या कर देती है, वहां पे
जो रिजल्ट की इफेक्टिवनेस को चेंज करके रिजल्ट को नेगेटिव दिखा देती है। यानी इस तरह से भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो रिजल्ट यदि वहां पे ब्लड के प्रेजेंस के साथ भी रिजल्ट को नेगेटिव कौन कर देता है, विटामिन सी। यदि वहां पे ब्लड प्रेजेंट है फिर भी विटामिन सी वहां पे प्रेजेंट होगा तो रिजल्ट को नेगेटिव ही दिखाएगा। फिर बात करते हैं जैसे रेड मीट होता है, तो रेड मीट फॉर 3 डेज पीरियड टू टेस्ट, यदि टेस्ट करवाना होता है उससे 3 दिन पहले रेड मीट खाना बंद कर देना होता है, क्योंकि ट्रेसेज ऑफ ब्लड इन देज मीट में कोज ए फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट। क्योंकि रेड मीट यदि अपन खाते हैं तो उस कंडीशन में स्टूल का कलर रेड दिखाई देगा और वहां पे ब्लड की प्रेजेंस मिल सकती है ट्रेसिंग के अंदर। यदि वहां पे ट्रेस करेंगे तो वहां पे ब्लड की प्रेजेंस मिल सकती है और वहां पे फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे फाल्स नेगेटिव तो किसके कारण से होता है, विटामिन सी के कारण से, और फाल्स पॉजिटिव किसके कारण से होता है, रेड मीट के कारण से। और वहां पे 7 डेज पहले एनएसएआईडी ड्रग को बंद कर देना होता है। तो यही यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखने वाली बात होती है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव मींस, यानी एफओबीटी टेस्ट पॉजिटिव आया है ये अपने को कैसे पता चलेगा और तब क्या करना होता है। रिजल्ट आर पॉजिटिव फॉर आइदर टाइप ऑफ फिकल ओकल ब्लड टेस्ट। यदि किसी भी प्रकार का फिकल ओकल ब्लड टेस्ट करवाने से रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इट मींस यू लाइकली हैव ब्लीडिंग समवेयर इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यदि इसके 3 मेथड होते हैं एफओबीटी के, इन तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड के द्वारा वहां पे फिकल ओकल ब्लड की प्रेजेंस मिलती है तो वो अपने को क्या इंडिकेट करती है कि कहीं पे भी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ब्लीडिंग है। फिर बात करते हैं, बट इट डज नॉट नेसेसरी मींस यू हैव कैंसर। बट जो वहां पे ब्लड की जो प्रेजेंस है वो कभी भी ये शो नहीं करती है कि इसको कंफर्म कैंसर है, यानी कैंसर का कंफर्मेशन को वो नहीं बताती है। वहां पे वो सिर्फ उसका इंडिकेशन देती है या फिर कैंसर कॉज होने के साइन को इंडिकेट करती है। अदर कंडीशंस दैट में प्रोड्यूस ए पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑन ए फिकल ओकल ब्लड टेस्ट इंक्लूड। कुछ अदर सिचुएशंस भी होती है जो फिकल ओकल ब्लड टेस्ट को पॉजिटिव बता देती है, जैसे अल्सर हो गया, जैसे अल्सर, हेमरोइड पॉलिप्स एंड बिनाइन ट्यूमर, जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी देखा था। जो अल्सर, हेमरोइड पॉलिप्स एंड बिनाइन ट्यूमर होती है ये क्या करती है, फिकल ओकल ब्लड टेस्ट के रिजल्ट को पॉजिटिव बताती है। ए टेस्ट रिजल्ट आर पॉजिटिव फॉर ब्लड, ये टेस्ट क्या बताता है, ब्लड की पॉजिटिविटी को बताता है, वहां पे प्रेजेंस को बताता है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल लाइकली रिकमेंड्स एडिशनल टेस्टिंग। यदि वहां पे ब्लड की पॉजिटिविटी मिलती है तो वहां पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा वो वहां पे चाहेगा, वो वांट करता है क्या, एडिशनल टेस्ट। और एडिशनल टेस्ट क्या है, कोलोनोस्कोपी। हाँ, हो सकता है वहां पे सिग्मोइडोस्कोपी भी कराई जा सकती है, पर कोलोनोस्कोपी को ज्यादातर प्रेफर किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट कोलोनोस्कोपी, जो अपने सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट थे FIT यानी फिकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग और FOBT यानी फिकल ओकल ब्लड टेस्ट, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब अपन थोड़ा थोड़ा कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी एंड प्रोक्टोस्कोपी के बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे कोलोनोस्कोपी में बात करें तो कोलोनोस्कोपी इज कॉमन आउटपेशेंट प्रोसीजर है, यानी एक आउटपेशेंट प्रोसीजर, यानी ओपीडी पेशेंट के, यानी पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत नहीं है, वैसे हॉस्पिटलाइज्ड प्रोसेस है, बट ये ओपीडी पेशेंट को भी किया जा सकता है। यानी पहले कोलोनोस्कोपी कराने के लिए पेशेंट आया और उसके बाद वो घर जा सकता है, यानी उसको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती है। देट लेट से डॉक्टर एग्जामाइन द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर पॉलिप्स और कैंसर एंड इवैल्यूएट सिम्टम्स लाइक एब्डोमिन पेन एंड रेक्टल ब्लीडिंग। जो डॉक्टर होता है वो एग्जामाइन करता है कोलोनोस्कोपी के द्वारा किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन कौन से होते हैं, इसको क्या नाम बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। यानी कोलोन को, पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को डॉक्टर एग्जामाइन करता है कोलोनोस्कोपी के द्वारा। क्या एग्जामाइन करता है, कि किसी भी प्रकार का वहां पे पोलिप्स या फिर कैंसर नहीं हो, यानी कैंसर और पोलिप्स को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। एंड इवैल्यूएट सिम्टम्स, और वहां पे कुछ सिम्टम्स को भी डिटेक्ट करता है, जैसे एब्डोमेन पेन या फिर रेक्टल ब्लीडिंग। यदि इनमें से किसी भी प्रकार का साइन देखने को मिलता है तो वो कैंसर के प्रेजेंस को इंडिकेट करती है। फिर अपन बात करते हैं, कोलोनोस्कोपी अलाउ द डॉक्टर टू लुक इनसाइड द एंटायर रेक्टम एंड कोलोन व्हाइल पेशेंट इज सीडेटेड। कोलोनोस्कोपी क्या करती है, डॉक्टर को अलाउ करती है जब पेशेंट सीडेट हो जाता है, पेशेंट को सीडेट किया जाता है, और सीडेट करने के बाद पेशेंट की जो रेक्टम होती है और इंटायर कोलोन होता है, यानी जो उसका इंटेस्टाइन और जो रेक्टम होता है उसको विजुअलाइज करने के लिए, वहां पे कोलोनोस्कोपी की जाती है। ए फ्लेक्सिबल जो कोलोनोस्कोपी होती है इसके अंदर क्या होता है, कोलोनोस्कोप होता है।
एक फ्लेक्सिबल लाइटेड ट्यूब होती है जिसको अपन कोलोनोस्कोप बोलते हैं। जो कोलोनोस्कोपी तो एक प्रोसेस का नाम है, किस प्रोसेस का, जहां पे एक फ्लेक्सिबल एक लाइटेड ट्यूब होती है जिसको अपन कोलोनोस्कोप बोलते हैं, और उस कोलोनोस्कोप को जब अपन रेक्टम या फिर कोलोन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। एंड इंटायर कोलोन टू लुक फॉर पॉलिप्स और कैंसर, और किस पर्पज के द्वारा, किस पर्पज के लिए, पॉलिप्स और कैंसर डिटेक्ट करने के लिए। यानी इस तरह से बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबल और लाइटेड ट्यूब जिसको अपन कोलोनोस्कोप बोलते हैं, उस कोलोनोस्कोप को एक इंटायर कोलोन या फिर रेक्टम के अंदर पॉलिप्स या कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए अपन इंसर्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स की। पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या बताता है, डॉक्टर फाइंड्स एनी पॉलिप्स और अबनॉर्मल टिश्यू। यदि वहां पे डॉक्टर किसी भी प्रकार का पॉलिप्स या अबनॉर्मल टिश्यू डिटेक्ट करता है तो वो क्या बताता है, पॉजिटिव रिजल्ट को इंडिकेट करता है। यानी फर्स्ट तो अपन ने क्या कर लिया था, FIT या FOBT कर लिया, फिर सेकेंड स्टेप थी यानी एडिशनल टेस्ट है अपना कोलोनोस्कोपी, और कोलोनोस्कोपी के अंदर भी अपने को किसी भी प्रकार का पॉलिप्स या फिर वहां पे अबनॉर्मल टिश्यू मिलते हैं तो वो किस चीज को इंडिकेट करते हैं, कोलोन कैंसर को इंडिकेट करते हैं, यानी कोलोरेक्टल कैंसर को इंडिकेट करते हैं। मोस्ट पॉलिप्स आर नॉट कैंसरियस, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार वहां पे किसी प्रकार का पॉलिप्स है तो वो कैंसरियस सिचुएशन को ही इंडिकेट करता है, बट सम कैन बी प्री कैंसरियस, और यानी सभी कैंसरियस नहीं होते, कुछ प्री कैंसरियस भी होते हैं कुछ पॉलिप्स, और पॉलिप्स रिमूव्ड ड्यूरिंग कोलोनोस्कोपी आर सेंट टू लेबोरेटरी। अब ऐसा भी होता है कि कई बार अपन पॉलिप्स को डिटेक्ट करते हैं तो वहां पे भी इसको अपन कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं बोल सकते, उसके बेसिस पे भी अपन उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे सकते। तो उस कंडीशन में जब पॉलिप्स अपने को देखने को मिलता है, यानी सबसे पहले तो अपन ने FIT या FOBT करवाया, और जब वहां पे ब्लड की प्रेजेंस मिल गई तो अपने एडिशनल टेस्टिंग के अंदर कोलोनोस्कोपी के अंदर चले गए, और जब कोलोनोस्कोपी करवाया तो वहां पे अपने को पॉलिप्स ही मिल गया, और पॉलिप्स भी कई बार तो कैंसरियस होता है और कई बार नॉन कैंसरियस या प्री कैंसरियस होता है। जब प्री कैंसरियस होता है तो उस कंडीशन में उस पॉलिप्स को वहां से रिमूव किया जाता है, और रिमूव करके उसको लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है, और वहां पे डिटरमाइन किया जाता है वहां पे कैंसरियस सिचुएशन को और प्री कैंसरियस सिचुएशन को और नॉन कैंसरियस सिचुएशन को। जब पॉलिप्स होता है उसको रिमूव करके लेबोरेटरी में भेजते हैं तो वहां पे जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो उस कैंसरियस, प्री कैंसरियस और नॉन कैंसरियस सिचुएशन को या फिर उसकी कंडीशंस को वहां पे असेस करता है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को तैयार करता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब अपन बात करेंगे नंबर 4 यानी डी यानी सिग्मोइडोस्कोपी। अब अपन सिग्मोइडोस्कोपी के अंदर बात करेंगे तो इसके अंदर भी एक प्रकार की फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोप होता है एक तरह से, यानी फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी इज इंपोर्टेंट स्क्रीनिंग प्रोसीजर। ये भी एक प्रकार से इंपोर्टेंट स्क्रीनिंग प्रोसीजर है। अपन ने यहाँ पे बात किया था कि 5 मेथड होते हैं, ये 5 मेथड सभी के सभी एक तरह से स्क्रीनिंग प्रोसीजर है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट अर्ली चेंजेस इन डिस्टल कोलोन। यानी सिग्मोइडोस्कोपी से सिर्फ अपने को डिस्टल कोलोन के अंदर किसी भी प्रकार के अर्ली चेंजेस होते हैं उनको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी इसके अंदर कैंसर को डायग्नोस नहीं कर सकते। इसके अंदर भी सिर्फ अपन डिस्टल कोलोन में किसी भी प्रकार के अर्ली चेंजेस होते हैं तो उनको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। द 60 सेमी फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोप, जो सिग्मोइडोस्कोपी होती है इसके अंदर भी क्या होता है, एक 60 सेमी का फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोप होता है जो अपने को एक्सीलेंट विजुअलाइजेशन करवाता है, किसका, डिस्टल कोलोन का, और मिनिमम डिस्कम्फर्ट टू पेशेंट। यानी कोलोनोस्कोपी के अंदर तो क्या होता है, एक कोलोनोस्कोप होता है यानी थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको अपन इंटायर कोलोन और रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं, और वो क्या होता है, कोलोनोस्कोप होता है, उस कोलोनोस्कोप को इंसर्ट कर दिया जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। और जो सिग्मोइडोस्कोपी होती है इसके अंदर क्या होता है, 60 सेमी का एक फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोप होता है जिसको अपन डिस्टल कोलोन के अंदर इंसर्ट करते हैं, और जब डिस्टल कोलोन में इंसर्ट करते हैं तो वहां पे एक्सीलेंट विजुअलाइजेशन होता है। एक्सीलेंट विजुअलाइजेशन यानी कोलोनोस्कोपी की कंपैरिजन में इसका एक एक्सीलेंट विजुअलाइजेशन होता है, अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं किसको, किसी भी प्रकार के अर्ली चेंजेस हुए हुए हो किसी भी डिस्टल कोलोन में तो वहां पे उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, एक्सीलेंट विजुअलाइजेशन के द्वारा। और वहां पे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी बहुत ही मिनिमम होता है, सिग्मोइडोस्कोपी के अंदर कोलोनोस्कोपी के कंपेरिजन में डिस्कम्फर्ट बहुत ही कम होता है। यानी एक तरह से सिग्मोइडोस्कोपी प्रोसेस मिनिमल डिस्कम्फर्ट के साथ एक्सीलेंट विजुअलाइजेशन करना, किसके द्वारा, एक फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप के द्वारा। और जो फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 60 सेमी होती है। यही से क्वेश्चन बनते हैं।
ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं आगे। सक्सेसफुल एंडोस्कोपी रिक्वायर्स एडिक्वेट पेशेंट प्रिपरेशन। यदि अपन सिग्मोइडोस्कोपी की सक्सेसफुल की बात करें, यानी उसकी जो रेट है, जरूरी नहीं अपन ने सिग्मोइडोस्कोपी की और उसके अंदर अपने को रिजल्ट्स मिल गया हो। यदि उसके रिजल्ट्स की एक्यूरेसी की बात करें कि अपने को जब सिग्मोइडोस्कोपी की तो उसे रिजल्ट मिले ही, तो ये किस पे डिपेंड करती है? ये एडिक्वेट पेशेंट प्रिपरेशन, कि अपन ने पेशेंट की जो प्रिपरेशन कितनी अच्छे से की है, इस पे डिपेंड करती है। और जो प्रॉपर इक्विपमेंट है या नहीं, इस पे डिपेंड करती है। और जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, जो एग्जामिनर है वहां पे सिग्मोइडोस्कोपी कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उस पे डिपेंड करती है। ओके फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं हु कैन रिकॉग्नाइज बोथ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल फाइंडिंग। जो नॉर्मल और अबनॉर्मल फाइंडिंग है वो कौन कर सकता है, कौन रिकॉग्नाइज कर सकता है? ठीक है, तो वो कौन होता है? एक्सपीरियंस डॉक्टर। उसके ऊपर भी रिपोर्ट है वो डिपेंड करती है। तो फिर बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन अराइजिंग फ्रॉम सिग्मोइडोस्कोपी आर रेयर। यदि कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सिग्मोइडोस्कोपी से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो बहुत ही रेयर होती है, यानी बहुत ही कम चांसेस होते हैं। बट पेशेंट में एक्सपीरियंस सम क्रैम्पिंग, गैस और वाटरी स्टूल। बट पेशेंट को किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होती है, बट वहां पे पेशेंट के साथ क्या एक्सपीरियंस करता है, क्या फील करता है कि वहां पे क्रैम्पिंग होते हैं, थोड़े बहुत क्रैम्पिंग आते हैं और वहां पे गैस निकलती है और वाटरी स्टूल लगता है। ये सभी चीजें क्यों होती है? वहां पे जब सिग्मोइडोस्कोप डालते हैं, वहां पे अंदर इंसर्ट करते हैं, तो वहां पे क्रैम्पिंग तो इसलिए होगी क्योंकि वहां पे जो इंटेस्टाइन होगी, वहां की जो मूवमेंट्स होगी उसको बढ़ा देगी, गैस उसके साथ सिग्मोइडोस्कोप के साथ चली जाएगी और उसके बाद वहां पे कुछ फ्लूड इंसर्ट करते हैं सिग्मोइडोस्कोपी के साथ और जो स्टूल होता है उसको तोड़ देता है अंदर, इस कारण से वहां पे वाटरी स्टूल भी दिखाई देता है। लास्ट इसके अंदर मेथड है, वो लास्ट मेथड के अंदर बात करें तो वो है प्रोक्टोस्कोप, नंबर 5। प्रोक्टोस्कोप के अंदर बात करेंगे, दिस टेस्ट में बी डन इफ रेक्टल कैंसर इज सस्पेक्टेड। जब रेक्टल कैंसर अपने को सस्पेक्टेड हो कि इसको रेक्टल कैंसर हो सकता है, तो उस कंडीशन में वहां पे प्रोक्टोस्कोप किया जाता है। क्योंकि देखो, इस पूरे चैप्टर में अपने कोलोरेक्टल कैंसर पढ़ा है, बल्कि जो प्रोक्टोस्कोप है ये सिर्फ रेक्टल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। और जो कोलोनोस्कोप है और वो सिग्मोइडोस्कोप है, वो कोलोन को वहां पे स्क्रीनिंग के लिए काम में लिया जाता है। तो जो प्रोक्टोस्कोपी है, इससे अपने को रेक्टल कैंसर को स्क्रीनिंग करने के काम में लेते हैं। फिर बात करते हैं, इन विच डॉक्टर लुक्स इनसाइड द रेक्टम विद प्रोक्टोस्कोप। इसके अंदर प्रोक्टोस्कोप की मदद से, यानी प्रोक्टोस्कोप के द्वारा डॉक्टर रेक्टम को अंदर से विजुअलाइज करता है। किसके द्वारा? प्रोक्टोस्कोप से द्वारा। प्रोक्टोस्कोप एक थिन रिजिड लाइटेड ट्यूब होती है विद स्मॉल वीडियो कैमरा। जो प्रोक्टोस्कोप होता है इसके अंदर एक थिन और रिजिड और लाइटेड ट्यूब होती है और इसके अंदर एक छोटा कैमरा लगा होता है, यानी वो भी वीडियो कैमरा, ऑन एंड, कहां पे? इसके एंड पॉइंट पे। इट्स पुट इन थ्रू द एनस, और इसको किसके द्वारा पुट किया जाता है? एनस के द्वारा। यानी एक तरह से इसके अंदर डॉक्टर के द्वारा एक थिन रिजिड लाइटेड ट्यूब विथ स्मॉल वीडियो कैमरा, जिसको अपन प्रोक्टोस्कोप बोलते, उसके द्वारा रेक्टम के थ्रू उसको अपन एनस के द्वारा रेक्टम के अंदर इंसर्ट करवा के उसका विजुअलाइजेशन किया जाता है। फिर बात करते हैं, पेशेंट में फील सम प्रेशर और क्रैम्पिंग व्हाइल स्कोप इन पैलेस। जब जो प्रोक्टोस्कोप होता है उसको अपन अंदर इंसर्ट करते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट क्या फील करता है? वहां पे प्रेशर फील करता है और क्रैम्पिंग फील करता है। बट यू शुड नॉट फील एनी पेन, बट वहां पे किसी भी प्रकार का उसको पेन फील नहीं होता है। इट्स नॉट अनयूजुअल टू फील एंड हियर सम एयर एस्केपिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। इस कंडीशन में पेशेंट को ज्यादातर अनयूजुअल फीलिंग नहीं होती है, बट कुछ को किसी भी प्रकार की गैसियस फील हो सकती है और वहां पे कुछ को गैस वहां पे फील नहीं होती है। डॉक्टर इंसर्ट ए लुब्रिकेटेड प्रोक्टोस्कोप। जब प्रोक्टोस्कोप इंसर्ट करते हैं किसके अंदर? एनएस के द्वारा रेक्टम के अंदर, तो उस कंडीशन में उसको लुब्रिकेट किया जाता है। अदरवाइज वहां पे बहुत स्टिक होता है, रिजिड होता है, तो इसके कारण से वहां पे इंजरी हो सकती है। इंटू योर रेक्टम एंड पंप एयर इंटू एक्सपेंड द रेक्टम। जब प्रोक्टोस्कोप होता है उसको लुब्रिकेट किया जाता है सबसे पहले तो, और लुब्रिकेट करके एनस के द्वारा रेक्टम के अंदर डाला जाता है और उसके बाद एक पंप के द्वारा वहां पे एयर इंसर्ट की जाती है। एक पंप होता है, उस पंप से एयर इंसर्ट करते हैं और वहां पे रेक्टम को एक्सपेंड करते हैं, यानी वहां पे बढ़ाते हैं, वहां पे जो स्पेस होता है उसको बढ़ाते हैं वहां पे, जिसके कारण से रेक्टम फूल जाती है। यू मे फील सम फुलनेस, तब अपने को वहां पे फुलनेस फील होगी। कैसी? जैसे स्टूल पास करने की हो, क्योंकि जब स्टूल पास की फीलिंग कब आती है? जब वहां पे
अंदर जो रेक्टम होता है, रेक्टम के अंदर खूब सारा स्टूल आ जाता है, तो वहां पे क्या हो जाती है, रेक्टम एक्सपेंड हो जाती है। और जैसे ही रेक्टम एक्सपेंड होती है तो उस कंडीशन में वहां पे स्टूल पास करने की अपने को फीलिंग्स होती है। तो उसी तरीके से इसके अंदर एयर इंसर्ट कर देते हैं अंदर, और एयर के कारण से रेक्टम एक्सपेंड हो जाती है, और रेक्टम एक्सपेंड होने के कारण से स्टूल पास करने जैसी फीलिंग वहां पे आती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन ने अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोलोरेक्टल के 5 मेथड के बारे में डिस्कस किया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाता है, अपने वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिसके कारण से हमारी आगे आने वाली जो भी वीडियोज होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को शेयर भी करें, जिसके कारण से अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, और जिसके कारण से हमारा भी मोटिवेशन मिले, और हमारे को भी ऐसा लगे कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाए। और वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका कोई रिव्यू है तो वो जरूर दे, उसके ऊपर जरूर गौर किया जाएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, यानी एक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, वैसे व्हाट्सएप के ग्रुप नहीं है हमारे, हमारे डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, जिसके अंदर आपका नंबर जोड़ दिया जाता है, तो हमारे कोई भी नोटिफिकेशंस, मैसेज या पीडीएफ्स होती है तो वो डायरेक्ट आपको पर्सनली मिल जाती है। तो आप हमारे ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में एड होना चाहते हैं तो 9413722120 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें अपना नाम एंड फ्रॉम, आप कहाँ से हो ये लिख के जरूर भेज दे, तो आपका जो नंबर है वो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में एड कर दिया जाता है, जिसके कारण से इन फ्यूचर हमारे पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको सेंड करना होगा, या वीडियो का नोटिफिकेशन होगा, या ऑनलाइन वीडियो की जो क्लासेस का लिंक होगा वो आपको क्लास होने से जस्ट पहले मिल जाएगा। फेसबुक पेज है हमारा एक जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से, उसको भी आप लाइक कर ले, क्योंकि वहां पे डेली क्वेश्चन शेयर होते हैं। और एक इंस्टा पे भी हमारा पेज है, उसको भी आप वहां पे फॉलो कर ले, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से है। थैंक यू, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।